सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ज्योग्राफी के बारे में। और ज्योग्राफी के बारे में आज हम बात करेंगे भारत के बारे में बात करेंगे, भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं भारत से संबंधित। ये भारत का मैप है। भारत का मैप अगर कहा जाए, भारत पूरी तरह से, देखिए हमारी पृथ्वी दो भागों में डिवाइड होती है, पूरी तरह से दो गोलार्ध में डिवाइड है। एक इसको जो बीच से डिवाइड करने का काम करती है उस रेखा को कहते हैं हम भूमध्य रेखा। जो हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करने का काम करती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, जिसके ऊपरी हिस्से को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, यानी कि जो भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा होता है वो होता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हिस्सा होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। जो ऊपर का ये सिरा होता है इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो भूमध्य रेखा जहाँ से पृथ्वी हमारी दो भागों में डिवाइड होती है, तो अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि भारत जो है हमारा देश वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। भारत की उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वत, पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी दिशा में अरब सागर और दक्षिणी दिशा में हिंद महासागर स्थित है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं कहूं आपसे कि भारत की मुख्य भूमि से हिंद महासागर टकराता है, तो वह दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसका पूर्वी हिस्सा जो जिसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी और जिसका पश्चिमी हिस्सा जिसे हम कहते हैं अरब सागर। क्या कहा मैंने कि जब हिंद महासागर भारत की मुख्य भूमि से टकराता है तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसके पूर्वी हिस्से को कहते हैं बंगाल की खाड़ी और जिसके पश्चिमी हिस्से को कहते हैं अरब सागर, ठीक। क्लियर हुआ पॉइंट। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी नॉर्मल सी बुक में आपको ये सब डेटा मिल जाएगा, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। भारत की अगर उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो 3,214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम लंबाई 2,933 किलोमीटर है, ठीक। क्या कहा मैंने कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत की उत्तरी बिंदु से लेके दक्षिणी बिंदु तक जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर और जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर, ठीक। एक दूसरा पॉइंट ये बनता है कि भारत की स्थलीय सीमा जहाँ पर मैं इस वक्त मार्कर चला रहा हूँ, ये सब स्थलीय सीमा कहलाती है। जो किसी स्थल से लगी हुई है उसको हम कहते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर, जबकि जलीय सीमा की लंबाई है 7,500 किलोमीटर। अगर इसको बिल्कुल क्लियर करके कहा जाए तो वो होती है 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। तो ये स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की बात, ठीक। यहां मैंने आपको पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी के बारे में बताया, उसी के नीचे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर लक्षद्वीप पूर्वी साइड में, ठीक।
यहाँ पर हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर पश्चिमी साइड में हो जाता है आपका लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है। नीचे की तरफ है श्रीलंका। श्रीलंका को डिवाइड करने का जो काम करती है वो है पाक जल डमरू मध्य है, और इस तरफ से डिवाइड करने का काम करती है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत और श्रीलंका को इनमें से कौन सी खाड़ी दो भागों में बांटती है। तो अगर खाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाता है मन्नार की खाड़ी, जबकि अगर खाड़ी से संबंधित नहीं है तो वहां आपको ऑप्शन मिलेगा पाक जल डमरू मध्य है। ठीक, इसी क्षेत्र में स्थित है सेतु समुद्रम परियोजना जो चलाई गई थी, ठीक है, वो भी इसी क्षेत्र में मिलती है, और यहीं पर है रामेश्वरम आइलैंड। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर स्थित है खंबात की खाड़ी, और यहाँ स्थित है कच्छ की खाड़ी। ठीक, ये कुछ भौगोलिक स्थिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जबकि अगर पूछा जाए कि भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है कंचनजंगा। ठीक, एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, संसार की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो होती है एवरेस्ट, लेकिन वो स्थित है नेपाल में। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन ये हिस्सा है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का, ना कि हिमालय का। और हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। तो तीन क्वेश्चन बनते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि है एवरेस्ट लेकिन भारत में स्थित नहीं है, नेपाल में स्थित है, भारत की सबसे लंबी चोटी कौन सी है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन लेकिन वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये तीन पॉइंट्स इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ से संबंधित ये पॉइंट रहे। भारत में कुल मिला के इस वक्त 29 राज्य हैं तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 29 राज्य जिनकी सबकी अपनी ही राजधानियां हैं, जबकि 7 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी राजधानी है, लेकिन केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनका शासन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही रहता है और वहीं से संचालित होता है। हालांकि उनमें भी स्टेट होती है, मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ भी सरकार बनती है, लेकिन पूरा जो शासन होता है वो सेंटर के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, तो ये थे भारत के भौगोलिक स्थिति से संबंधित कुछ बेसिक से महत्वपूर्ण पॉइंट, जहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योग्राफी जब से हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारे और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आगे बढ़ेंगे, बेसिक से बेसिक जानकारी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो आज बस इतना ही था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो। उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग या GK या एग्जाम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, वो सभी की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, आपको हमारी वीडियो को सर्च करना नहीं पड़ता है। धन्यवाद।